का सुपरस्ट्रक्चर सेकंड पढ़ाया था। कोई एक विद्यार्थी जो है 5 मिनट बोल दे, कोई एक विद्यार्थी, और पूरा ब्रीफ अब तक के जितने आपने लेक्चर दिए हैं उन पर एक ब्रीफ जो है अपना प्रेजेंटेशन दे दे। कोई एक विद्यार्थी ऐसा कर सकता है, जो भी वॉलंटियर करे तो लगेगा कि पूरा पर्सपेक्टिव, एक विद्यार्थी भी समझ लिया तो माना जाएगा कि स्टैटिस्टिकली बाकी लोग भी कुछ क्लियर होता जा रहा है। तो एक ब्रीफ में जो भी इन्होंने व्याख्यान दिया है उस पर एक ब्रीफ बताइए। दीपेंद्र आप बताइए। सर सबसे पहले तो सर ने सब स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, जिसमें फाउंडेशन, वॉल्स, पियर्स, कॉलम के बारे में, प्लिंथ लेवल क्या होती है ये सब बताया, फर्स्ट क्लास की एमपी। उससे पहले ब्रिक के बारे में भी बताया था सर ने, ब्रिक किस किस टाइप के होते हैं ये सब बताया। फिर आगे बढ़े वो उसने सुपर स्ट्रक्चर पे आए, और जिसमें उन्होंने बीम, आर्च, वॉल्ट, डोम ये सब बताया। और अब कल उनकी जो क्लास थी थर्ड, उसमें उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर सेकंड बताया था, जिसमें ब्रैकेट, छतरी, डूर ये सब बताए थे, विंडो भी बता दी थी, और बालकनी को लेकर बताया था। हाँ ये बेसिक था, तो कुछ उन्होंने छोड़ भी दिया था, गिव अप कर दिया था कि आप देख सकते हैं। आज उन्हें फ्रेमवर्क बताना था, जिसमें सेंटरिंग के फोल्डिंग ये सब था। ठीक है, बढ़िया है। बाकी लोग जो लोग क्लास में नहीं थे कल, तो उन लोगों को भी बताना जरूरी है। जो मैंने पिछले क्लास के लेक्चर के बाद कुछ नोट्स भेजा था, उसमें आप लोगों ने बोल्ट्स भी देखा होगा, डोम्स भी देखा होगा, आर्च भी देखा होगा, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी ना नोट्स में। ऐसे ने उसे थोड़ा बहुत देखा था, अच्छे से पढ़ा था। शुरू के 15 मिनट इस बात के लिए निकल जाता है पूछते पूछते कि वो पढ़ा था, वो समझ में आया था कि नहीं आया था। ये सारी चीजें क्लास के बाद अच्छी नहीं लगती है। आप लोग बताइए, क्लियर हुआ था? कुछ नोट्स भेजा था उसका मतलब कुछ समझ में आया था? जो चीजें मैंने पढ़ाई थी उससे कुछ मिलजुल रहा था, एकदम अपोजिट था? नहीं सर, पूरा पूरा वही था, उसी से रिलेटेड पूरा पूरा वही था। तो नोट्स बनाया गया था उसका? मैं जो पढ़ाया था वो नोट्स मैंने वही भेजा था, और वो जो नोट्स है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी। मैंने अलग अलग चीजों से लिंक सर्च कर कर आपको एक एक टॉपिक भेजा था। ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जो उस पर ना हो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको सिलेबस का हर एक पॉइंट मिला होगा उस पर। हाँ नोट्स प्रिपेयर करो। तो कब तक कम्प्लीट होगा नोट्स? इस वीक में हो जाएगा, इसमें। और मैं ये कहना चाहता था कि आप जो है और भी जो बच्चे हैं, जैसे भी दीपेंद्र ने ब्रीफ में बताया जी, जी। वैसे और भी बच्चे अपनी बातों को ब्रीफ में रख सकते हैं कि क्या उन्होंने लर्न किया, क्या इंटरनलाइज किया, क्या एब्जॉर्ब किया। हम तो कहेंगे कि आज क्लास में जितने भी बच्चे उपस्थित हैं सब लोग एक 3-3 मिनट का वक्तव्य दे दें। बिल्कुल सर, थैंक यू। बिल्कुल सर, चलें स्टार्ट किया जाए फिर। शशि शशि सुन रहे हो मेरी बात को? क्लास में शशि है क्या? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। तो गुड मॉर्निंग शशि, बताइए आपने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? सर जैसा कि आपने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया था कि इंट्रोडक्शन बेसिक हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, उसके बाद आपने सीधे कल आपने रिवाइज कराया फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट का सभी टॉपिक, और थर्ड यूनिट से आपका स्टार्ट था सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर से, और आज के लिए था फ्रेमवर्क पे आपको बताना था। बाकी एक तरीके से मतलब एक कॉन्सेप्ट बन चुका है हम लोग के दिमाग में कि मतलब आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी क्या है, उसके नेचर क्या है, यूजेस क्या है, मटेरियल क्या क्या यूज होते हैं, ये सभी चीजें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहे हैं। और फर्स्ट यूनिट में कुछ नहीं पढ़ा था, कौन कौन सी यूनिट पढ़ाई गई अभी तक? सर फर्स्ट यूनिट में वही बेसिक चीजें आपने बताई थी, प्रिंसिपल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होगा। फर्स्ट यूनिट मैंने पढ़ाई नहीं थी, कौन कौन सी यूनिट पढ़ाई है मैंने अभी? सर
अगर मतलब डीपली देखा जाए तो थर्ड यूनिट आपने अच्छे से मतलब कवर किए हैं, और फर्स्ट सेकंड में तभी तो आप नॉर्मली उसी तरह बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। और कोई नेक्स्ट? जी बताओ, फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक क्या क्या पढ़े हो? सर फर्स्ट क्लास में सबसे पहला ब्रिक्स और सीमेंट के बारे में पढ़ा था, ब्रिक्स कितने टाइप के होते हैं और सीमेंट, और सीमेंट में मतलब किस कितनी कितनी किसकी वैल्यू रहती है और उसका मिक्सचर जो होता है वो, और उसके बाद ये बीम और बीम के टाइप्स और फाउंडेशन जो नींव डाली जाती वो और उसके टाइप्स, फिर उसके बाद कल की क्लास में डोर विंडो इन सब के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद ये वॉल्स के बारे में भी पढ़ा है और उसके टाइप्स ऑफ वॉल्स क्या होते हैं। आपके पास सिलेबस है ना? यस सर। तो सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट हो गई है अभी? सर सेकेंड यूनिट में सेकेंड का सी और डी अच्छे से हो गया है, और उसके बाद थर्ड यूनिट में भी लगभग सभी चीजें हो गई हैं। थर्ड में बी का भी लगभग, बी में बीम्स आर्चेस हैं और डोम्स हैं, ये भी हो गया है। और उसके बाद सी, थर्ड का जो सी है उसमें ब्रैकेट छतरी डोर विंडो वो आपने कल बताया था, बालकनी वगैरह। और उसके बाद ये फोर्थ वाला जो है ये शायद अभी नहीं हुआ है, फ्रेमवर्क नहीं हुआ। नेक्स्ट वन सृष्टि। सर सबसे फर्स्ट क्लास में आपने ब्रिक बताया। हेलो सर, आवाज आ रही है? सर सबसे फर्स्ट क्लास में सर आपने ब्रिक्स बताया था, टाइप्स ऑफ ब्रिक बताया था, सीमेंट सैंड और सब के बारे में बताया था सर। उसके बाद सर कंजर्वेशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग के बारे में सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए थे आप, जिसमें आप कुछ स्क्रैचिंग टेस्ट बताए थे ब्रिक्स के लिए, और सर उसके बाद कंक्रीट बताए थे, ग्राउंडिंग जैकेटिंग, और सर उसके बाद सब स्ट्रक्चर बताए थे, उसके फाउंडेशन बताए थे, और फिर सर वॉल बताए थे कितने टाइप्स की वॉल होती है, लोड बेयरिंग नॉन लोड बेयरिंग पार्टीशन और कैविटी। सर उसके बाद बीम बताए थे सर, टाइप्स ऑफ बीम बताए थे, और फिर सर कल याद है क्या होता है सर? कैविटी वॉल याद है? हाँ सर, जो सर अगल बगल में सर 4 इंच की दीवार होती है और बीच में स्पेस होता है जिसमें सर कंक्रीट भरते हैं, उसको कैविटी वॉल बोलते हैं। ये मोस्टली सर डैम के अंदर रिटेंशन वॉल को बचाने के लिए। नेक्स्ट वन सर, वो फिर वही सर बोल्ट बताए थे, आर्च बताए थे, फिर सर कल आप छतरी पायर डोर रोलर डोर बताए थे सर, उसमें ये जो आर्च वगैरह बताए थे इसके प्रॉपर नोट्स मिले थे आपको? हाँ सर, आपने भेजा है उसपे ग्रुप में, तो उसको देखा गया था, उसके कुछ नोट्स वगैरह बनाए गए थे? सर अभी नोट्स तो नहीं बनाया लेकिन सर देखे थे। तो उसको बनाना कब से चालू होगा? सर आज से शुरू कर देंगे सर। ठीक है, नेक्स्ट वन पुष्पिता। पुष्पिता शशि दुबे। बोलो सर, आपने अभी तक सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के बारे में बताया। सब स्ट्रक्चर वो होता है तो ग्राउंड, जिसका कंस्ट्रक्शन ग्राउंड लेवल के अंदर से शुरू होता है, और सब स्ट्रक्चर वो ये सब स्ट्रक्चर, और सुपर स्ट्रक्चर वो होता है जिसका कंस्ट्रक्शन ग्राउंड लेवल के ऊपर से शुरू होता है। और क्या पढ़ाया था? पुष्पिता इज इन द क्लास। नेक्स्ट सृष्टि सिंह।
अच्छा अच्छा सॉरी नेक्स्ट सर शिवांगी बताओ फर्स्ट क्लास से अभी तक थोड़ा सा ब्रीफ बता दो ताकि सब लोगों को क्लियर होता चले क्या क्या तुमने पढ़ा है और वही चीजें बताना जो मैं पूछ सकूं कुछ भी बीच में तो बता सको ओके हेलो हाँ हाँ बोलो हाँ सर सर मेरी स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस मिस हो गई थी फिर जब मैंने ज्वाइन किया था तो आप थर्ड यूनिट पढ़ा रहे थे उसमें सर सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में मैंने पढ़ा था सब स्ट्रक्चर में फाउंडेशन वॉल एंड कॉलम पढ़ा था और सुपर स्ट्रक्चर में बीम आर्क वगैरह पढ़े थे और सर फाउंडेशन में आपने बताया था कि ये शैलो एंड डीप होता है फिर इसमें भी जो है डिफाइन किया था इंडिविजुअल एंड ये कंबाइंड वगैरह था और डीप में भी सर आपने वो ड्रिल शेफ्ट बताया था और ये फाइल बताया था और उसके बाद सर मैंने वॉल भी पढ़ा सेकंड क्लास थी मेरी तो उसमें वॉल पढ़ा था मैंने जिसमें लोड बियरिंग वॉल नॉन लोड बियरिंग वॉल पार्टीशन वॉल एंड कैविटी वॉल ये सब पढ़ा था और अभी कल की क्लास को नहीं सर सॉरी मेरी कल की क्लास मिस हो गई थी ओके ओके और कोई नेक्स्ट कोई बचा अभी बताने के लिए उज्जवल हाँ भारती बताओ भारती क्लास में नहीं है दो तीन क्लासों में लग रहा था सर सेकंड और थर्ड क्लास में नहीं थी मैं ओके फर्स्ट क्लास में आपने ब्रिक्स और सीमेंट के बारे में बताया था और कल के क्लास में आपने सुपर सीमेंट के बारे में क्या मतलब बताया था उसका प्रोसीजर बताया था वो कैसे बनता है ये बताया था प्लांट बताया था या सीमेंट के कंपोजिशन बताया था क्या बताया था सर टाइप्स सीमेंट के हाँ और कंपोजिशन कंपोजिशन में बताया था सब किससे कितना सीमेंट कैसे बनता है क्या क्या मिक्सचर होता है उसमें वेट और ड्राई कैसे करते हैं वो सब बताया था आपने प्रोसेस ओके नेक्स्ट फिर कल आपने बताया था सुपर स्ट्रक्चर टू के बारे में उसमें आया था ब्रैकेट्स छतरी डोर विंडोज बालकनी और कोई बचा सर जो लोग थे लगभग सभी बता दिए हेलो यस सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग हाँ सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये कंक्लूड किए थे कि आर प्लस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू आर्किटेक्चर सर और आर्क में भी फ्लैट हो सकता है सर्कुलर हो सकता है यू शेप हो सकता है पॉइंटेड हो सकता है सेमी सर्कुलर हो सकता है सर ओके ओके और हम लोग ये वाटर और इसका प्रपोज रेशियो पता किए थे तो वो 30:50 होता है सर 30:50 ठीक है ओके ओके और ब्रिक्स का हम लोग लेंथ के बारे में डिस्कस किए थे सीमेंट किन किन चीजों का बना होता है जिसमें सिलिका लाइम एल्युमिनियम होता है मैग्नीशियम होता है आयरन ओर होता है और सब स्ट्रक्चर जी कैल्शियम नहीं होता है उसपे जी कैल्शियम भी होता है सर सिलिका लाइम कैल्शियम एल्युमिनियम मैग्नीशियम और आयरन ओर और सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ रोड में हम लोग पढ़े थे फिजिबल और रिजिड में रिजिड होता है फ्लेक्सिबल जी उसके बाद हम लोग कंजर्वेशन मेथड भी पढ़े थे सर जिसमें जैकेटिंग ग्राउटिंग दो प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़े थे सर और जैसे कि व्यू हम लोग पढ़े थे किसी भी चीज का मतलब स्ट्रक्चर का व्यू चार तरह का होता है प्रोस्पेक्टिव होगा ना
कंस्ट्रक्शन का सर. प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव बोलते हैं उसको. ओके सर. उसमें साइड व्यू होता है, फ्रंट व्यू होता है, टॉप व्यू होता है और बॉटम व्यू होता है. तो वॉल के बारे में हम लोग पढ़े थे सर. और ब्रिक्स के बारे में, बर्न्ड और अनबर्न्ड ब्रिक्स के बारे में पढ़े थे. गुड. उनका क्लासिफिकेशन था. और पीसीसी के बारे में पढ़े थे सर. पीसीसी जी, पीसीसी का मतलब पीसीसी के बारे में उतना ग्रेटली डिस्कस नहीं होता सर, पर आरसीसी के बारे में डिस्कस हो पाया था सर. सही है, बिल्कुल सही है. पीसीसी का मतलब होता है प्लेन कंक्रीट सीमेंट, है ना. आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट और पीसीसी स्पीड प्लेन सीमेंट कंक्रीट. जी. और सेकंड होता है, सीमेंट का टाइप होता है जो पीसीसी, उसको बोलते हैं पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट. ओके. नेक्स्ट वन. कंजर्वेशन मेथड में सर था जैकेटिंग और ग्राउटिंग सर. और जैसे एक सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जो कवर किए उसमें सुपर स्ट्रक्चर टू हो गया सर. सुपर स्ट्रक्चर वन हो गया सर. फ्रेमवर्क हो गया जिसमें सेंटरिंग, वुड वर्क वगैरह जो हुआ. गुड. ओके जी सर. ठीक है, ठीक है. थैंक यू सर. सर है यहाँ पे. हेलो सर. जी जी, बताएं. सर हो तो फिर बताएं, बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है उसके अकॉर्डिंग. सर मेरा बच्चा है सर. अच्छा, पूर्वा बताओ. जी सर. सर सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, जैसे सीसी, आरसीसी, स्लरी वगैरह क्या होता है. फिर बेसिक कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे इन चीजों का इस्तेमाल होता है, लाइक ब्रिक, सीमेंट, सैंड, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, फिर सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर. तो फिर ब्रिक के बारे में पढ़ा था, उसका साइज वगैरह और क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स. फिर सीमेंट पढ़ा था. उसके बाद स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में देखा था, कॉन्क्रीट पढ़ा था. फिर उसका टेस्ट कैसे किया जाता है उसकी कंसिस्टेंसी के लिए, वो देखा था. फिर सर यूनिट थ्री में फाउंडेशन पढ़ा था, फाउंडेशन के टाइप कैसे होते हैं, जैसे डीप, शैलो. उसके बाद वॉल में आए थे सर, उसमें उससे पहले हम लोग वॉल पढ़ा था. उसमें क्या टाइप्स होती हैं उसकी, तीन चार टाइप्स के बारे में पढ़ा था उसका. फिर बीम को सर, उसमें भी उसके टाइप्स वगैरह और उस शेप्स से कैसे वैरी करता है, ये सब पढ़ा था. फिर आर्च पढ़ा था सर, उसमें भी उसके जो टाइप्स होते हैं. और हाँ, बस तक किया मैंने क्लास को. हाँ ठीक है, सभी लोगों ने अच्छा बताया. सर है क्या यहाँ पे? हाँ सर तो है. हाँ बताइए. हम जी. हाँ सर, बच्चों ने तो सारा रिस्पांस बहुत अच्छा बताया है, जितना पढ़ा है कहीं उससे बेटर बताया है. वाह, चलिए, तो बहुत ही एक टीचर के लिए एक बहुत रिवार्डिंग है कि बच्चे लोग उसको एब्जॉर्ब करें और एब्जॉर्ब करके अच्छे से प्रोड्यूस करें, तो ये बहुत ही अच्छी बात है. तो फिर बहुत सेटिस्फेक्शन होता है कि बच्चे लोग उतना रिस्पॉन्ड करें. और हम तो सोचते हैं कि जी सर, मुझे तो फर्स्ट डे से था कि प्रॉपर सेटिस्फेक्शन था, फर्स्ट डे से ही था सर. तो आपके लिए मुझे पूछना पड़ा. नहीं, वो तो ठीक बात है. एक्चुअली क्या है कि कई बार बच्चे लोग जो है वो ये टीचर को जानते रहना चाहिए कि बच्चे लोग कितना एब्जॉर्ब किए. बिल्कुल बिल्कुल. और ये एक बार जैसे आपने पूरा लेक्चर दिया, 40 मिनट का धारा प्रवाह लेक्चर दिया, और उसके बाद फिर आप चाहे तो 10 मिनट का समय या 15 मिनट का समय रख लीजिए. सबसे पूछिए कि 40 मिनट के लेक्चर को सब नोट्स बनाते रहे. सब लोग दो दो मिनट या तीन तीन मिनट बताइए क्या ब्रीफ आपने समझा. मैंने आप एकदम धारा प्रवाह 40 मिनट बोलते जाइए, बीच में ना पूछिए समझे कि नहीं समझे कि नहीं समझे. सबको 40 मिनट के लेक्चर के बाद एक 20 मिनट का समय दीजिए, सब लोग दो दो मिनट अपनी बातें कह दें, तब उससे देखिए कि लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए. बस इतना ही. मुझे लगता है ये मेथड अच्छा रहेगा, ये टाइम सेविंग मेथड होगा और बच्चे लोग इसमें अच्छा इन्वॉल्व होंगे. उनको लगेगा कि हमको बताना है उसके बाद. और आप चाहे तो सभी लड़कों का एक किसी पर मूल्यांकन भी एक शीट पर कर लीजिए. ये बच्चे 10 नंबर का एक मूल्यांकन करिए, रोज ही मूल्यांकन करते जाइए 10 नंबर में. सबको 10 नंबर में मूल्यांकन करके अपने पास रख लीजिए,
कि आलोक जी को दे दीजिए कि आज के क्लास में इनका परफॉर्मेंस ऐसे था। बिल्कुल तो फिर आज का क्लास आप शुरू करें, शुरू किया जाए। जी ठीक है, तो आज हम लोग किस चीज से स्टार्ट करने वाले हैं? कल काफी लोग थे जो इस क्लास में नहीं थे, कल नहीं थे जो लोग वो मुझे बता दें। कल हम लोगों ने किसके बारे में बताया था थोड़ा सा एक बार और बता दे, कोई भी बता दे कल की क्लास में क्या क्या बताया गया था, जो लोग नहीं थे वो सुन ले फिर मैं उसको बताता हूँ। सर कल के टॉपिक में थर्ड यूनिट से डी चैप्टर सी चैप्टर पढ़ाया था आपने, जिसमें ब्रैकेट्स छतरी डोर विंडो और बालकनी के बारे में बताया था। तो मैंने कल बोर्ड्स के बारे में भी बताया था, डोम के बारे में बताया था और ब्रैकेट के बारे में, छतरी के बारे में बताया था। तो उसको आप ये बताइए जो छतरी के बारे में बताया था, जो डोम के बारे में बताया था और जो आर्च के बारे में बताया था, इन तीनों चीजों में कुछ चीजें सिमेट्रिकल थी, उसमें से क्या चीज सिमेट्रिकल थी? वो था आर्च। ठीक है, जो भी चीजें इन तीनों चीजों में सिमेट्रिकल थी वो थी आर्च। अब आर्च पर डिपेंड करता है कि वो पॉइंटेड था, कि वो किस शेप में बनाया गया था, क्योंकि तीनों चीजें सिलेबस में एक ही है और आप लोगों को सिर्फ ये जानना जरूरी है कि ये डोम है, ये इंसिस्ट करता है आपके ऊपर कि आप कंस्ट्रक्शन में या उस किले पे जाके क्या चीज देख ढूंढ के पा रहे हो। ठीक है, उसके जैसे वोल्ट्स था तो उसमें बहुत सारे टाइप्स थे, एक बैरल था और क्लस्टर था, कार्बेल था, रिब था, ग्रेन फॉर्म था, ये सारी चीजें मैंने भेजी भी थी। और सेकंड डोम में भी यही चीज था, कार्बेल था, क्लस्टर था। तो देखो ये सारी चीजें इसमें मिलती जुलती है, क्लस्टर बोल्ट भी हो सकता है, क्लस्टर बोल्ट भी हो सकता है और डोम भी हो सकता है, मोनोलिथिक डोम हो सकता है, अनियन डोम हो सकता है। तो इन सब चीजों का जो है वो करने के लिए या समझने के लिए इनका डायग्राम देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अभी पीपीटी बना रहा हूँ, तो जब मैं पीपीटी बना के सामने आपको प्रेजेंट करूंगा तो वो चीज जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो चीज आपको जल्दी क्लियर हो जाएगी। हम स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट से, ब्रैकेट होता क्या है? ठीक है, ब्रैकेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। आवाज आ रही है मेरी? तो जो ब्रैकेट होता है ना, उस ब्रैकेट का सबसे ज्यादा जो यूज होता है, क्योंकि यूज इसलिए जानना जरूरी है कि सिविल में हमें उस चीज का उपयोग ही करना है, इसलिए हमें उसकी डिफिनेशन से ज्यादा उसका यूजेस पता होना चाहिए। जब हम उसका यूज पढ़ेंगे तो वो चीजें हमको तुरंत याद हो जाएंगी। जैसे आज की क्लास में जिससे भी पूछा कि उसने प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया, उसकी वजह दो थी, एक तो थी लैंग्वेज जो हिंदी में पढ़ाई जाती है, जो आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से इंसर्ट करती है, और सेकंड थिंग थी किसी भी चीज को एग्जांपल के रूप में आपके सामने तैयार करना। उसका उद्देश्य सिर्फ ये होता है, क्योंकि टेक्निकल बहुत सारी चीजें कठिन होती हैं, अगर मैं उसको डायग्राम और सिर्फ जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होती है मैं उसकी स्टैटिकली पढ़ा दूंगा उस तरह बैठ के, तो वो चीज आपको क्लियर नहीं होगी। ब्रैकेट का यूज क्या होता है, जहां मैं बताऊंगा कि ब्रैकेट का यूज होता है, जो बॉल होती है और जो बीम होती है, इन दोनों के बीच में जो लोड होता है उसको बियर करने के लिए ब्रैकेट का यूज किया जाता है। तो आपके दिमाग में वहां से दो चीजें आएंगी, एक तो बॉल का लोड बताएगा, एक बीम का लोड बताएगा, और जो तीसरा चीज होगा वो बताएगा वोल्ट। वोल्ट का मतलब हुआ कि जो इन दोनों चीजों के लोड को इंसिस्ट करता है, वो इन दोनों को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखता है। तो उसका जो यूज होता है वो दो तीन टाइपों, क्योंकि पुराने समय में जो भी बिल्डिंगें बना करती थी उनकी हाइट बहुत ऊंची हुआ करती थी, उनके स्पान बड़े बड़े हुआ करते थे, क्योंकि राजा महाराजाओं के किले हुआ करते थे और वहां बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे साधनों से, जैसे हाथी से भी सवार होकर लोग जो राजा महाराजा हुआ करते थे अंदर जाया करते थे, तो उनके जो भी गेट हुआ करते थे वो मैक्सिमम 15-15 फीटों की हाइट के गेट हुआ करते थे। तो वहां पे क्योंकि जब एरिया बढ़ता है, वो चाहे लेंथ का हो चाहे स्पान का हो, तो वहां पे हमको उस चीज को टेक्निकल रूप से हमको उसको सपोर्ट देना पड़ता है। अगर हम चाहें कि 10 मीटर का कोई स्पान है, 10 मीटर इट मीन 30 फीट का, 33.3 फीट एग्जैक्टली 30 फीट मानिए, तो 30 फीट के स्पान के लिए जब हम कोई भी बीम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जितना उसका लंबा स्पान होगा उतनी ही उसकी वेट ज्यादा होती जाएगी। मतलब जो उसमें नंबर ऑफ TMT यूज होगा ये डिजाइन करने के बाद क्लियर करेगा कि क्या उस जो 30 फीट का स्पान है उसको वो जो बीम है वो कवर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। मैं आप लोगों को सिलेबस खत्म होने के पहले पहले एक चीज बहुत अच्छी बता के जाऊंगा, बीम की डिजाइन और छत की डिजाइन। बीम की डिजाइन कैसे करते हैं उसका एक प्रोसेस लंबा है, तो उसमें वो करीबन पीपीटी से ही बन पाएगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल होता है वो कम से कम 5 से 6 पेज का होता है, वो तब जाके वहां पे कंफर्म हो पाता है कि जो भी हमारा लोड है
उस लोड में हमें कितनी बीम देनी है और बीम का लोड कैसे देना है, बीम में कितने नंबर का टीएमटी यूज होगा। क्योंकि अभी मैंने छोटी सी चीज एक बताई थी कि बस एक ही चीज थी, डायग का स्क्वायर डिवाइड बाई, किसी को याद है, वेट बताया था टीएमटी का वेट निकालने के लिए डायग का स्क्वायर डिवाइड 162। हाँ, तो इससे ये समझ में आ जाता है कि जितना भी वो जो टीएमटी होगा उसका किलो न्यूटन या किलोग्राम पर मीटर में कितना वेट होगा। ये चीजें तो हमने क्लियर कर ली थी, अब हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि बीम की डिजाइन किस बेस में करनी है। या तो उसके लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका लोड कितना है, फिर उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो साइज उसका सेक्शन किस तरह होगा। सर्कुलर बनाएंगे तो अलग बनाना पड़ेगा और रेक्टेंगुलर बनाएंगे तो अलग बनाना पड़ेगा। तो बिल्डिंग में किसी भी चीज का डिजाइन करने का मतलब उसके लोड को कम करना या उसके वेट को डिस्ट्रीब्यूट करना, या तो वो कॉलम हो, या तो वो बीम हो, या तो वो लेंटल बीम हो, और या तो वो छत का लोड हो, या तो वो बालकनी हो। बालकनी का भी एक अलग इफेक्ट है। ये सारी चीजें बिल्डिंग के ओरिएंटेशन को देखते हुए और उसके लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए बनाई जाती है। किसी भी चीज में जब एक तरफ वन साइडेड लोड लग जाता है तो सेकेंडरी वाला जो पोर्शन होता है उसके लोड को इंसिस्ट करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वहां पे कुछ दूसरे टाइप के लोड बढ़ाते हैं। जैसे जो ब्रिज होता है, जो भी एफओबी होता है, जिसका पाया होता है, जो सर्कुलर सेक्शन में होता है, तो जब हम इसको टॉप ले जाते हैं तो सबसे ऊपर जब जहां से हमारा ब्रिज का स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है उसके जस्ट पहले हम एक शाफ्ट बीम बनाते हैं। और शाफ्ट बीम का मतलब सिर्फ ये होता है कि उसके ऊपर जो ब्रिज का फ्लैट पोर्शन होता है वो उसके ऊपर रेस्ट कर जाता है। उससे क्या होता है, उसका जो लोड होता है वो उस मतलब हम चाहे तो सीधे सर्कुलर सेक्शन का एक पाया बनाए और पाए के ऊपर सीधे वहां से रेनफोर्समेंट वी शेप में निकाल के या वी शेप की बीम निकाल के वहां पे उसके ऊपर पूरा फ्लैट पोर्शन रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि उसके बीच में कुछ गैप बनाया जाता है जिससे वो एडजस्टिंग होता है। जैसे इलाहाबाद में एक सस्पेंशन ब्रिज बना है तो उसको एकदम रिजिड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसलिए उसमें लाइव लोड बहुत चलता है, उसमें डेड लोड कम होता है, लाइव लोड ज्यादा होता है। ठीक इसी प्रकार जो बोल्ट होता है तो बोल्ट को समझने का एक ही तरीका होता है कि जो भी हमारी बॉल होती है और जो हमारे कॉलम होते हैं उस कॉलम के जो कॉलम होता है उसका जो बीम से जो रिलेशनशिप होता है, क्योंकि स्पान बड़ा होता है तो स्पान को बड़ा करने के लिए वो जो बीम होती है उसका, अभी मैं स्टैटिक डायनेमिक पढ़ाऊंगा आगे, तो जो उस बीम में जो बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डेवलप होते हैं, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ये किसी भी बीम के टिल्ट होने का एक माध्यम होता है। अगर उसमें हम रेनफोर्समेंट कम बनाएंगे, पिछली क्लास में भी ये भी डिस्कस हुआ था ओवर एनफोर्समेंट और अंडर एनफोर्समेंट, अगर किसी भी चीज में ओवर एनफोर्समेंट होगा तो भी वो बकल कर जाएगा और अंडर होगा तो भी वो बकल कर जाएगा। तो इन दोनों चीजों को समझने के लिए हमें उसका शेयर फोर्स मतलब उसमें कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है और कितने फोर्स के बाद वो कितना बेंड करेगा, ये दोनों चीजें हमको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस में है और ये पूरा न्यूमेरिकल बेस है। इसलिए इसको मुझे बस दो ही चीज याद रखना है आपको, एक सिंपली सपोर्टेड बीम जो मोस्टली जिसमें शेयर ज्यादा डेवलप होता है न्यूमेरिकली प्रॉब्लम के उद्देश्य, और सेकंड होती है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर होती है जो वन साइडेड फिक्स होती है और वन साइडेड फ्री होती है। तो उसमें जितने भी लोड बनते हैं, जैसे हमारे घर का छज्जा, इसके ऊपर कौन सा लोड होता है, तो जितना जिसका जैसा लोड होता जाएगा उसके हिसाब से उसमें हम उतना शेयर फोर्स डेवलप करेंगे, उसमें उतना रेनफोर्समेंट डेवलप करेंगे, ताकि जो हमारा बीम है वो हमारे स्ट्रेट हो जाए। जब भी कंस्ट्रक्शन कंक्रीट मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जब हम कंक्रीट का यूज करते हैं तो आफ्टर 24 आवर या 24 डेज या 28 डेज 7 डेज जब भी हम उसमें काम करना बंद कर देते हैं, जैसे क्यूरिंग तराई करना बंद कर देते हैं जिसे हम क्यूरिंग बोलते हैं, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाता है, पक चुका होता है। तो जब वो पक जाता है या 24 दिन बाद या 28 दिन बाद वो अपनी ओरिजिनल अवस्था में आता है, तो वो कंडीशन होती है उसके ऊपर कि वो वहां से ब्रेक करता है कि नहीं। अगर वो उसके अकॉर्डिंग उसको टेक्निकली बनाया गया है तो ब्रेक नहीं हो सकता, और नहीं बनाया गया है तो हो सकता है। इसीलिए जब भी ट्रस की बात करें तो जो भी उसमें फ्रिंज लगी होती है आपस में इंक्लाइंडली फ्रिंज जितनी भी उसमें लगी होती है ट्रस में, वो सिर्फ उसका लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि जितने भी टावर होते हैं, आप लोगों ने टावर देखा है ना, टावर तो टावर में जितने भी इंक्लाइंडली उसके फ्रिंज लगे होते हैं, जो भाग लगे होते हैं, मतलब एबीसीडी में रेक्टेंगुलरी शेप में जो भी इंक्लाइंडली लगे होते हैं, उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि बहुत लंबी लंबी हाइटों में होते हैं।
तो सेम इसी तरह हमारा बोल्ट होता है, मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं कि अ ब्रैकेट इन आर्किटेक्चर एलिमेंट हैव स्ट्रक्चर और डिकोर्डिनेट मेंबर, इट कैन बी मेड फॉर वुड स्टोन प्लास्टर और मेटल। प्लास्टर का यूज यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि पहले के समय में पुरानी चीजें अगर खराब ना दिखती होती ये सॉरी पुरानी चीजें अगर खराब दिखती होती थी तो उसमें हम मेटल का यूज किया करते थे, और आफ्टर दैट वी ऑल बॉन्ड इज विथ इन प्लास्टर इन दैट कंडीशन वेर टीएमटी बार इज इंसर्ट इन अवर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। जब भी कोई कॉलम हुआ करता था या तो कोई वॉल हुआ करती थी, उसके सामने जो भी उसके सापेक्ष में बीम हुआ करती थी, उस बीम में चूंकि स्पान बड़ा हुआ करता था इसलिए जो बोल्ट होता था वो ट्राई सेक्शन में हुआ करता था। उससे क्या होता था कि उसका जो लोड होता था वो डिस्ट्रीब्यूट करता था, दोनों चीजों करता था, जो उसका स्ट्रेंथ एंगल कहलाता था वो उसका बोल्ट कहलाता था। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉर्बेल एक होता है कंसोल। कॉर्बेल क्या होता है और कंसोल क्या होता है इसको हम इस तरह समझ लें कि जो कॉर्बेल होता है, जब अब चूंकि समय बहुत ज्यादा बदल चुका है, टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा आगे आ चुकी हैं, तो जब भी हम कोई बिल्डिंग जब भी हम कोई पायर बनाते हैं और ब्रिज के ही पायर में मेनली यूज होता है। कैसे यूज होता है, जब हम उसको बनाते हैं, मैं अभी बताया कि सर्कुलर सेक्शन का अगर हम पायर बनाएंगे तो उसके ऊपर अगर हमको किसी भी तरीके का लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम एक बताया ना एक साफ्ट बीम बनाते हैं, तो साफ्ट बीम कैसी होती है, वो भी एक कॉर्बेल के ही टाइप होती है। उसका मतलब है एक सर्कुलर सेक्शन को हम जब स्टैंड करते हैं तो ऊपर से कॉनकली सेक्शन में कुछ यू टाइप के शेप बनाते हैं उसमें, और यू बनाने के बाद जो उसका रेनफोर्समेंट होता है वो सीधे अंदर से आता है और साइड साइड में लेफ्ट हो जाता है। जब वो टर्न हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि ये वाला जो लोड है साइड साइड का, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होके सिंगल हैंड में वन पॉइंटेड लोड कवर कर जाएगा। तो ब्रिज बनाते समय हम गोल पैर यूज किए, गोल पैर यूज करने के बाद हम टॉप सेक्शन में पहुंचते हैं तो वहां पर हम एक सॉफ्ट बीम बनाते हैं। जो सॉफ्ट बीम होती है वही एक कॉर्बेल का काम भी करती है, वो क्या करती है लोड डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। जो दूसरा होता है कंसोल का, इसका यूज सबसे ज्यादा हम लोग अपना छत बनाने के समय यूज करते हैं जिसमें डोम वगैरह होता है, तो क्योंकि डोम में क्या होता है एक स्टेप होता है, वो या तो धीरे धीरे नीचे गोल होता चला जाएगा, मतलब वो ऐसा नहीं हो सकता डोम की एकदम स्ट्रेट हो ऐसा हो और फिर एकदम ऐसा हो जाए, मतलब कॉनकली शेप में होगा लेकिन वो पॉइंटेड नहीं हो सकता कि मतलब थ्री आर्च का होगा, फोर पॉइंटेड आर्च का भी होगा तो भी वो सेमी सर्कुलर का सेक्शन नहीं होगा। बहुत ज्यादा होगा तो सेंटर में एक ऐसा आर्च बना होगा, ऐसा पॉइंट बना होगा जिसमें वो पूरा कॉनकली शेप यूज हो सकता है। तो कॉर्बेल और कंसोल इन दोनों चीजों को हमको समझना पड़ेगा कि इनका काम क्या होता है। मेन होता है इनका कार्य जो होता है वो होता है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है। ब्रैकेट का यूज कहाँ होता है, ब्रैकेट का यूज होता है जो उसकी वाल होती है, उससे जो रेसिस्ट बीम होती है, इन दोनों के लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बीच में, बीच मतलब उसके किनारे पे, मतलब जहां से हमारी बॉल और जहां से हमारी बीम स्टार्ट हो रही है उसी जगह में एक एरिया में ऐसा होता है कि कुछ इस शेप में लगा दिया जाता है बोल्ट को। तो लोड जो यहाँ का लोड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर कहाँ देता है, बैक पोर्शन में देता है। बैक पोर्शन कहाँ होता है, जहां पे वॉल और जहां पे बीम का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। उससे क्या होता है लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बीच में वो बीम जो होती है टिल्ट होने से बकल होने से बच जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना छतरी, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है छतरी, ठीक है। आवाज आ रही है, यस सर। हाँ, जो छतरी होती है, छतरी सबसे ही समझ में आता है जो छाता होता है जिसको हम बारिश के दौरान यूज करते हैं, आप उसको सिर्फ रेज्यूम कर लीजिए वही छतरी कहलाती है। वो कैसी होती है, छतरी जो होती है एक एलिवेटेड डोम की तरह होती है या डोम के शेप की तरह होती है, और इसका यूज जो ज्यादातर जो होता है वो इंडो इस्लामिक और इंडियन आर्किटेक्चर में यूज होता है। वो कैसे होता है, इसमें बीच में एक कॉलम होता है और कॉलम इंसिस्ट करता है चारों तरफ जो एक्सटेंडेड एरिया होता है, जो एलिवेटेड एरिया होता है जो कवर करता है एक बीम के थ्रू, मतलब आप समझ लो जैसे छतरी होती है उसकी एक डंडी होती है, डंडी से आप ऊपर जाओगे तो ऊपर देखो उसमें एक ब्रैकेट टाइप के लगे होते हैं ना फांस करने के लिए, याद आया, उसमें ब्रैकेट टाइप के लगे होते हैं, लंबे लंबे तार टाइप के लगे होते हैं जो पूरे छतरी को कवर करते हैं, ठीक है। Yes. तो छतरी में भी हमको यही पढ़ना है कि जो छतरी होती है उसका यूज कैसा होता है, वो देखने में कैसा होता है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है, या पहले मैं इसको भेज देता हूँ
छतरी भी मैंने भेज दी होगी, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता दूंगा कि छतरी का यूज क्या होता है। जब उसके आप सेब को देख लोगे ना, तो फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, इसका यूज इंडियन आर्किटेक्चर में होता है, जहां पे एक कम एरिया होता है और ज्यादा चीजों को कवर करना पड़ता है। मतलब जो पेड़ होता है ना, ये भी एक छतरी की कंडीशन में या उसी सेप में जेटी होता है। ठीक है, फिर मैंने कल बताया था डोर और विंडोज के बारे में, डोर और विंडोज के बारे में बताया था कि डोर क्या होता है, विंडो क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। तो इसमें सिर्फ हमको टाइप्स पढ़ना है, विंडो और डोर, इसमें इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, इसमें सिर्फ हमको यूज पढ़ना है। सिविल में ज्यादातर चीजें हैं जिनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, जैसे बीम, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती, छत इसकी कोई डेफिनेशन नहीं, बस के टाइप्स आपको पढ़ना है। स्लैब की बात करेंगे तो वन वे टू वे होगा, विंडो की बात करेंगे तो अलग होगा, डोर की बात करेंगे तो अलग होगा। ठीक है, विंडो में मैंने कल आपको क्या बताया था, हिंज बताया था, डक्ट बताया था, पॉकेट बताया था, रोलर बताया था, बाइपोड बताया था, स्लाइडिंग पायर्ड फ्रेंच पैनल, पीवीसी प्लस बटेंड लेग, बंबू, ग्लास, एल्युमिनियम। इनमें से किसी को इसके बारे में कुछ पूछना हो, डोर के टाइप्स के बारे में, ये विंडो के बारे में, सिंगल हंज, डबल हंज, जब आप इसका डायग्राम देखोगे ना, तुरंत क्लियर कर जाओगे कि चीज होती क्या है। ठीक है, इसका मैंने नोट्स भेज दिया है, सबके पास ही होगा। एक बार आप लोग डोर और विंडो के टाइप्स पढ़ लेना, और जब पढ़ लोगे तभी उस चीजों को मैं समझा सकता हूं। ठीक है, डोर विंडो पढ़ लेना, और पढ़ क्या लेना, इसका नोट्स भी बना लेना। अब नेक्स्ट हमको स्टार्ट करना है आज से फ्रेमवर्क और ट्रस, फ्रेमवर्क और ट्रस दो चीजें स्टार्ट करना है। और दो चीजें फ्रेमवर्क और ट्रस अगर मैं बता दूंगा, ट्रस एंड फ्रेमवर्क ज्ञान, हाँ, यूनिट नंबर थर्ड कंप्लीट हो जाएगी अपनी, फिर तो कुछ नहीं बच रहा है ना थर्ड यूनिट में। जो फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क जो होता है, इट इज द मेन सेटिंग प्लेट, इट इज लाइक अ सेटिंग प्लेट। जब हम किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम किस चीज का यूज करते हैं, उसकी सेटिंग प्लेट का, या तो उसके सरफेस को बनाने के लिए, उस स्ट्रक्चर को एक स्वरूप देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शटरिंग प्लेट का यूज करते हैं। शटरिंग प्लेट और एक सस्पेंशन पाइप जो होता है, सस्पेंशन एक पाइप होता है और एक शटरिंग प्लेट, ये दो टाइप के वर्ड हैं। इन दोनों का यूज किस चीज में होता है, शटरिंग होता है। जब भी हम किसी चीज को बनाते हैं तो उसके लिए हमें उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर को लाने के लिए उसका एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर बनाता है वो क्या कहलाता है, हमारा जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है हमारा क्या कहलाता है, फ्रेमवर्क कहलाता है। किसी भी कार्य के लिए या किसी भी वर्क को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी वर्क को स्टार्ट करने के लिए जब हम किसी फ्रेम का यूज करते हैं उसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए, तो वो हमारा फ्रेमवर्क कहलाता है। इसके टू टाइप्स होते हैं, एक होता है शटरिंग और एक होता है स्कैफोल्डिंग। तो जो स्कैफोल्डिंग होता है और जो शटरिंग होता है, इन दोनों का यूज एक ही तरह होता है। वो कैसे होता है, जैसे सबसे ज्यादा हमारे घरों पे जो चीजें यूज होती हैं वो हमारी वुडन वर्क से रिलेटेड यूज होती हैं। वो क्या चीज में जाती हैं, वो हमारी कहलाती हैं, जैसे बल्ली होती है, बल्ली का यूज करते हैं आपस में बांध के, उसमें पटरे का यूज करते हैं। जब भी हम बिल्डिंग को बनाते हैं तो सबसे बाहर एक बल्ली का दो तीन बल्ली लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं, वर्टिकली लगाते हैं, फिर वर्टिकली के बाद हॉरिजॉन्टल लगाते हैं, फिर इसके ऊपर पटला रखते हैं। पटला मतलब लकड़ी का, ये भी एक वुडन वर्क का होता है, एक फ्लैट पोर्शन होता है। तो जिस तरह लकड़ी का होता है वही चीज जब आप एज्यूम करो लोहे की चीजें बनने लगेंगी, जैसे है भी उसको स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। उसमें पाइप होते हैं, सारे पाइपों को कंस्ट्रक्ट करते हैं एक दूसरे में, उसमें थ्रेड और वाल्व लगा होता है, उसके थ्रू उसको जो है जैकेटिंग बनाते हुए कस देते हैं। तो जैसे हमें चौकोर सेक्शन का बनाना है तो साइड साइड में उसके वाल्व लगे होते हैं रेक्टेंगुलर शेप के लिए, उसमें टी शेप लगा होता है, जैसे बीम पड़ते थे ना अपन टी शेप एल शेप, उसी तरह उसमें ब्रैकेट अलग अलग बने होते हैं। तो अगर हमको उसको कैसे बनाना है, अगर हम उसको ऐसे बनाना है कि एक फ्लैट पोर्शन है और बीच में उसको स्टैंड करना है, तो इस वाले सेक्शन में ट्राई सेक्शन लग जाएगा, मतलब एक इस साइड जाएगा, एक इस साइड एक ऊपर, तो एक पाइप यहां से ऐसे जोड़ दिया जाएगा, एक ऐसे और एक ऊपर जोड़ दिया जाएगा। तो कहने का मतलब कि स्केप फोल्डिंग होती है, इसका यूज हम कैसे करते हैं, इसमें पाइपों में किनारे किनारे थ्रेड लगी होती है, कुछ में थ्रेड के बाद वॉल्व भी मतलब वेल्डिंग होते हैं ताकि उसको आपस में खोला जा सके,
जब खोल दोगे तो पाइप बन के रख जाएगा और जब उसको जोड़ दोगे तो बिल्डिंग कितना ऊपर भी ले जाओ तो स्कैफोल्डिंग का यूज वो होता है। सेटिंग प्लेट का यूज वहां पर किया जाता है, सेटिंग प्लेट का जैसे छत बनाना है तो चूंकि छत भी एक स्ट्रक्चर है तो जब छत का आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तो आप क्या करोगे, ये छत है और जो जो इसका स्ट्रक्चर होगा तो चूंकि ये एक पूरा एरिया कहलाया तो इस एरिया को कवर करने के लिए नीचे से प्लेट लगानी पड़ती है, तो वो जो छोटी छोटी प्लेटें होती हैं उसको हम सेटिंग प्लेट बोलते हैं। तो उसको आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं और ज्यादातर घरों पे क्या होता है जो कच्ची सेटिंग की जाती है तो उसमें लकड़ी की बल्ली वगैरह लगाए जाते हैं और स्टेप्स लगाई जाती है वुडन वर्क की और फिर उसमें कच्चा प्लास्टर मिट्टी करके उसको लेवलिंग किया जाता है, लेवलिंग करने के बाद उसमें कच्चा प्लास्टर बनाया जाता है, कच्चा प्लास्टर करने के बाद फिर उसमें क्या करते हैं आरसीसी कवर करते हैं, फिर आफ्टर 28 डेज 30 डेज उसको क्या करते हैं उस सेटिंग को खोल दिया जाता है तो जो ओरिजिनल शेप होता है कॉन्क्रीट उसको पा जाता है और उसको उसका यूज खत्म हो जाता है सेटिंग यूज का। तो जो भी हमारा फ्रेमवर्क होगा इसमें दो ही चीज आएगी, एक आएगी सेंटरिंग प्लेट या सेटरिंग प्लेट और दूसरा हमारा क्या आएगा जिसको हम मचान बोलते हैं या तो दूसरे वर्ड में हम उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। उसमें स्कैफोल्डिंग जब भी याद आए एक ही चीज याद रखना, कुछ पाइप होते हैं उन पाइपों को आपस में जोड़ के जो सेटिंग बनाई जाती है उसको स्कैफोल्डिंग और बड़े वर्कों में मोनली उसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा कॉन्क्रीट की, क्योंकि कॉन्क्रीट जो हमारे है वो हमारे थर्ड यूनिट में है तो नहीं, थर्ड यूनिट में फ्रेमवर्क था उसमें सेंटरिंग स्कैफोल्डिंग वुड और स्टील, देखिए वुड और स्टील दोनों बता ही दिया, वुड मतलब बल्ली वाला और स्टील मतलब लोहे के पाइप वाला। ठीक है, क्लियर हो रहा है शशि दुबे? यस सर, यस सर। फिर हमारा आता है यूनिट तो थ्री में तो कुछ नहीं बचा है, ट्रस एंड फ्रेम ज्वाइनिंग, और यूनिट फोर्थ में आता है हमारा कॉन्क्रीट, थोड़ा सा कॉन्क्रीट भी पढ़ लेते हैं। कॉन्क्रीट की जब बात करें तो कॉन्क्रीट हमारा क्या होता है, किस किस चीज का मिक्सचर होता है? अ कॉन्क्रीट मिक्सचर इज अ सीमेंट सैंड वाटर एंड टाइप्स ऑफ केमिकल इन विच यू आर यूजिंग देयर। अगर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, अगर टेरेस बनाने के लिए या उसके कॉलम बनाना है, उसकी परमिएबिलिटी चेक करनी है, वर्केबिलिटी, अब ये सारे वर्ड हैं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करता जाऊंगा, वर्केबिलिटी क्या होती है, परमिएबिलिटी क्या होती है, उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है। अब जब हम कॉन्क्रीट, क्योंकि हमारे चैप्टर में तो कॉन्क्रीट में हम पढ़ेंगे एग्रीगेट के बारे में, सैंड के बारे में और सीमेंट के बारे में और वाटर के जितने भी एडमिक्सचर होते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे मगर पढ़ेंगे। तो कंक्रीट में सबसे पहले होता है किसी भी चीज का प्रोपोर्शन, पहली क्लास में बताया गया था कि चाय बनाते समय जिन जिन चीजों का यूज किया जाता है वो तो दुनिया करती है, मगर अच्छी चाय किसको बोलते हैं जिसका रेशियो सबसे अच्छा होता है, ठीक उसी प्रकार सीमेंट कंक्रीट में होता है जिसका जो प्रोपोर्शनल रेशियो होता है वो जितना परफेक्ट होता है उस हिसाब से उतनी हार्डनेस कंक्रीट वाली कंक्रीट का यूज किया जाता है। चूंकि अभी तो हम लोग जनरली नॉर्मली हमको पता चलता है कि अगर हमको रोड बनानी है तो उसके अकॉर्डिंग मिस्त्री को पता होता है, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर लेता है, लेकिन चूंकि सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि किस ग्रेड की कंक्रीट है। कंक्रीट हमेशा ग्रेड में मेजर की जाती है, कंक्रीट हमेशा ग्रेड में मेजर की जाती है, उसको बोलते हैं M5 ग्रेड, M10 ग्रेड, M15 ग्रेड, M20 ग्रेड, मतलब वो जो कंक्रीट होती है ये इट्स डिपेंडिंग अपॉन ओनली अ ग्रेड सिस्टम। और वो ग्रेड सिस्टम कैसे डेवलप होता है, या आपको उसकी स्ट्रेंथ वैल्यू से, जैसे आपको फ्लोरिंग का काम करना है या आपको जैसे रोड बनाना है तो आपको पता है कि जो फ्लोरिंग होती है उसको बनाते समय और किसी घर की एक अलमीरा बनाते समय और यह तो घर के अंदर की फ्लोरिंग बनाते समय और बाहर रोड बनाते समय, रिजिड पेमेंट बनाते समय और घर की फ्लोरिंग बनाते समय किस बात का ख्याल रखना चाहिए। हमको पता होता है जो चीजें हम रोड में बनाएंगे वहां पे हमारा लाइव रोड लगेगा, वहां हमें उसकी स्ट्रेंथ हैवी देनी पड़ेगी, तो हैवी स्ट्रेंथ देने के लिए क्या करेंगे जो उसका मिक्स ग्रेड होगा उसको हाई रखेंगे। और जो हमारे घर के अंदर, चूंकि घर के अंदर और क्या कौन कौन आ सकता है, हम लोग ही आएंगे तो हम लोगों का लाइव रोड तो इतना स्पीड का होता नहीं, हम लोग तो धीरे धीरे चलते हैं, तो हम नॉर्मल घर के लिए किसी भी ग्रेड की सीमेंट, किसी भी ग्रेड की कॉन्क्रीट का यूज कर सकते हैं। जो हमारा M5, M10 और M15 और M20, हमारा M5 और 7.5, 10, 15, 20, इस चीज को लिख लीजिएगा, याद रखिएगा।
M5, M7.5, M10, M15, M20. ये जो हमारा होता है ये हमारा कहलाता है नॉर्मल ग्रेड. क्या कहलाता है? नॉर्मल ग्रेड. मतलब M5 से लेकर M25 तक लेकर ये हमारा नॉर्मल ग्रेड कहलाता है. और जो हमारा मिडिल जो मीडियम ग्रेड होता है वो कौन सा होता है? M25 और M30. मतलब बात समझिएगा, कंक्रीट का जो ग्रेड है ये डिपेंड करता है आपको क्या चीज कंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्ट करना है. M5, 7.5, 10, 15 और 25, इसका यूज हम नॉर्मल ग्रेड पे करते हैं. और जो हमारा M25 और M30 होता है ये हमारा मीडियम में होता है. और 25 के बाद जो भी चीजें बनाई जाती हैं वो सब चीजें हम जो है मिक्स डिजाइन से करवाते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि मिक्स डिजाइन क्या होता है? तो जो मिक्स डिजाइन होता है इसको हम कंप्यूटर के द्वारा या किसी आर्किटेक्चर के द्वारा हम इसको कंक्रीट को मिक्स करवाते हैं कि इस जो कंक्रीट का हमारा स्तर होगा उसकी हार्डनेस कैसे आएगी. सपोज दैट एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट जो होती है, जो गिट्टी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? जो गिट्टी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? वो अपनी क्रशिंग वैल्यू में. क्रशिंग वैल्यू क्या होती है? क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है? जब किसी भी बड़े स्टोन को हम किसी मशीनों के द्वारा उसकी कटिंग करवाते हैं या तो उसको जैसे जो प्लांट लगे होते हैं तो उसमें क्या होता है, बड़े बड़े स्टोन डाल दिए जाते हैं, वो आपस में वहां तोड़ तोड़ के छोटे छोटे फाउंड मतलब 0.5 से लेकर और 20 mm 40 mm तक की गिट्टी वो बनाते हैं. तो गिट्टी बनाने में क्या करते हैं? कुछ ग्रेनाइट स्टोन हुआ करते हैं. तो जो उनका एरिया होता है, जो उनका एरिया होता है जब हम उसको क्रैक करते हैं, चिप्स बनाते हैं, या तो जब हम गिट्टी की कटिंग करते हैं तो उस समय मशीनों के द्वारा कटिंग होती है. तो पहले तो चूंकि स्टोन वर्क होता है तो जब कोई भी मशीन उस पर जाती है तो वो डिवाइड बाय 2 हो जाता है, फिर उसका डिवाइड बाय 4 हो जाता है. नीचे बहुत छोटी छोटी सीप्स लगी होती है, सीप्स इन द सेंस छन्नियां लगी होती है. सबसे पहले 25 ग्रेड की लगी होगी तो 25 की होगी तो उससे तो सारे सीप्स पास हो जाएंगे. 25 डाया से जो बड़े सीप्स होंगे, जो बड़े स्टोन वर्क होंगे वो वहां साइड में गिर जाएंगे, 25 वाले पास होकर नीचे चले जाएंगे. फिर अगले होपर में जाएंगे, होपर मतलब केमिकल्स हो. जब अगले होपर में जाएंगे कन्वेयर बेल्ट के द्वारा तो जब अगला होगा तो उसमें 10 mm का सीप्स लगा होगा, मतलब जो छन्ना होगा उसका एजिंग क्या होगा, 10 mm अलग करने के लिए. M25 के बाद जब नीचे जाएंगे तो 10 mm का सीप लगा होगा, 10 mm जो स्टोन होगा वो पास हो जाएगा और जो 25 का होगा वो बाहर हो जाएगा. सबसे ऊपर वाले में 25 से जो ऊपर था 40 mm तक का था वो बाहर हुआ था. सेकंड में जब 15 का लगा तो 15 से ऊपर वाला हट गया. फिर थर्ड में गए तो 5 का हट गया. इस तरह देखते देखते जब स्टोन की जो चिप्स होती है वो जब 10 mm तक में चेंज हो जाती है, 10 mm के बाद वाला जो होता है ना वो डस्ट के रूप में चला जाता है, जिसको हम लोग व्हाइट वाली जो बालू होती है हमारी वो डस्ट के शेप में चली जाती है. उसका यूज और कहीं नहीं हो सकता है तो लोग उसको बालू का यूज ही बना के करते हैं. तो जो हमारी M5 होती है वो होती है हमारी 1510. M5 क्या होती है? जो M ग्रेड की कंक्रीट होती है M5 ग्रेड की, उसका रेशियो क्या होता है? 1510. आवाज आ रही है मेरी? यस सर. जो हमारी कंक्रीट का ग्रेड 5 होता है, मतलब M5 ग्रेड की जो कंक्रीट होती है, जैसे लोहा होता है उसको कहे में नापा जाएगा? Fe 415 में. सिविल में कुछ चीजें स्टैंडर्ड हैं, उनको आपको लेके चलना पड़ेगा. उसका एक IS कोड है, IS कोड इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है, वो जो कहेगा उसकी वैल्यू आपको उतनी माननी पड़ेगी. ठीक है, IS कोड की आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बीम डिजाइन करते समय मैं उसका यूज बताऊंगा तो मैं उसको जिस पन्ने का ज्यादा यूज होगा वो मैं आपको बता दूंगा. वो सारी चीजें आगे आप पढ़ोगे अभी. तो लोहे का यूज हमेशा Fe 415 से किया जाता है. कॉन्क्रीट का किससे किया जाता है? ग्रेड से किया जाता है. M5 की वैल्यू क्या होती है? 1510. क्या वैल्यू होती है? क्या वैल्यू होती है? 1510 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है M5 में जो भी क्रशेस स्टोन रहेंगे उसको वेरीफाई करने के लिए, छोटे छोटे करने के लिए यूज होते हैं उसमें. कोई और? ये तो क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू हो गई उसकी, ये तो स्ट्रेंथ वैल्यू पे डिपेंड हो गया. 1510 का मतलब होता है इट इज द पोर्शन रेशियो, प्रोपोर्शनल रेशियो. किस किस चीज का? सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट. मतलब व्हेन यू आर यूजिंग M5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट देन यू शुड फाइंड द
1 kg of cement and the ratio of 5 kg of sand and 10 kg of aggregate. 1, 5, 10. 1 kg cement, then you are using 5 kg of sand and 10 kg of aggregate. It is the mixed design of M5 grade concrete. Okay. M5, it means 1:5:10. M7.5 equals to 1:4:8. It is a nominal condition, normal strength and normal grade of M7.5, M0.5. It is clear? Now the main sir, difference. M7 का ratio. हाँ 7.5 का होता है 1:4:8. इसको लिख लीजिए. M5 का ratio क्या होता है 1:4:8, 1:5:10. और M7.5 का होता है 1:4:8, M10 का होता है 1:3:6, M10 का होता है 1:3:6, M10 का क्या होता है 1:3:6, ठीक है. अच्छा नेक्स्ट M15 का लिख लीजिए 1:2:4. 1:2:4 हो गया. अब M20 का लिख लीजिए 1:1.5:3. 1:1.5:3 ये किस चीज को होता है M20 को होता है. क्योंकि नॉर्मल कंक्रीट है इसलिए मैंने नॉर्मल कंक्रीट तक आपको बताया. M5, M7.5, M10, M15 और M20. अब इसके ग्रेड को देखिए. डिफरेंस बिटवीन M15 एंड M7.5. M15 और 7.5 दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है. क्लियर हो रहा है. अब आप ये देखो जो M7.5 है वो कितना है 1:4:8 है ना. yes, और इसी का जब जस्ट आपने डबल कर दिया तो कितना रेशियो पहुंच गया उसकी ग्रेड कंक्रीट कितनी हो गई M15 की. मतलब जितनी भी चीजें आपने मिलाई थी जब उस मिलाने वाले प्रोपोर्शनल को आपने हाई कर दिया तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई एम ग्रेड उसका कितना हो गया उसका जस्ट डबल हो गया. हो गया डबल. अच्छा M7.5 से वो M15 हो गया. M7.5 से वो M15 हो गया. मतलब कंक्रीट का जो ग्रेड है वो क्या हो गया बढ़ गया. तो जो नॉर्मल ग्रेड की कंक्रीट यूज किया जाता है जैसे घर बनाते समय किया जाता है तो जो हम लोग छत बनाते हैं ना मेनली वो हम लोग किसकी बनाते हैं M15 और M20 ग्रेड की. M20 और M15 इसी ग्रेड की बनाते हैं. इससे ज्यादा और इससे कम नहीं बनाते क्योंकि इससे ज्यादा का यूज नहीं होता और इससे कम में वो कोलैप्स कर जाता है. ठीक है. सर इसमें M5 में सर रेशियो ज्यादा है सैंड का और एग्रीगेट का तो इस हिसाब से तो सर ये ज्यादा मजबूत होना चाहिए तो फिर 15 और 20 का क्यों बनाते हैं. नहीं 20 का 15 का 20 क्यों बनाते हैं. देखो जो नॉर्मल कंडीशन होती है जो नॉर्मल ग्रेड यूज को होते हैं वो M5 के होते हैं. जो नॉर्मल कंडीशन यूज होती है जैसे मैंने बताया ना रोड को बनाना है तो वहां पे हमारा लाइव लोड ज्यादा होता है. जब लाइव लोड ज्यादा होता है किसी भी चीजों को जब वो उसकी लेयर से स्टैक करता है या उसमें फ्रिक्शन डेवलप होता है वहां पे हमें M5 का रेशियो इसलिए बनाना पड़ता है ताकि वो रोड का वर्क है वहां पे लाइव लोड ज्यादा होगा. लेकिन कमरे की जब बात करेंगे जब फ्लोरिंग की बात करेंगे तो वहां हमें M5 लोड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. फिर मसाला ज्यादा लगेगा तो हार्डनेस भी तो ज्यादा बढ़ रही है सर. तो इसका मतलब जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है ग्रेड पॉइंट वैसे वैसे हार्डनेस कम होती जाती है. जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हार्डनेस भी बढ़ती जाएगी. मटेरियल को देखो ना उसके रेशियो को समझो ना किसकी किसकी बात की हो M5 की और M20 की. यस सर. है ना. तो आप उसमें ये देखो कि जब उसमें 1 kg 1 5 10 और 1 2 4 सॉरी 1
1.5 और 3, तो इन दोनों में हार्डनेस किसकी बढ़ेगी? हार्डनेस M5 की क्यों बढ़ेगी बाबू? उसमें एक तगाड़ी सीमेंट है, बात समझो, 1.5 मतलब उसमें एक तगाड़ी सीमेंट है या एक बकेट सीमेंट है और 5 बकेट उसमें क्या डाल दिए हम, सैंड डाल दिए। तो एक बकेट सीमेंट में अगर 5 हम सैंड डाल दिए और M20 वाले ग्रेड में हमने क्या किया, एक बकेट सीमेंट लिया और उसमें हमने 1.5 बकेट मतलब 1.5 टक उसमें बकेट क्या कर दिया, सैंड और फिल कर दिया। तो इस टाइम किसकी ज्यादा मजबूत होगी, इन दोनों में सीमेंट का रेशियो सबसे ज्यादा किसका हुआ, M5 का हुआ या M20 का हुआ? M20 का ज्यादा होगा। तो फिर ग्रेड तो बढ़ गया ना वो। हाँ सर। भाई उसमें 1 बकेट सीमेंट में कितना मिला रहे थे, 5 टाइम्स मिला रहे थे और इसमें 1.5 टाइम्स में मिलाना है। तो जब दोनों चीजों को मिलाएंगे तो जो सीमेंट का रेशियो होगा ना वो बढ़ता चला जा रहा है ना। हाँ सर। तो इसमें सीमेंट का यूज क्या होता है, किसी भी चीज को रिजेक्ट करने के लिए। तो उसमें जब M20 ग्रेड में जब सीमेंट का कॉम्बिनेशन रेशियो सबसे ज्यादा सीमेंट लग रही है, तो आप ये भी तो सोचो ना कि उसमें फिर उसका कंक्रीट स्ट्रक्चर होगा वो भी बहुत हार्डनेस होगा। सर सीमेंट ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। हाँ, तो जब स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तभी तो उसका ग्रेड बढ़ रहा है ना। अब M20 की बात करें, अगर हम करेंगे M25 की बात करेंगे तो M25 का क्या होता है, 1.12 होता है। तो अब आप देखो M5 को देखो, तो M5 में अगर वो 1 नंबर या 1 बकेट आप सीमेंट यूज कर रहे थे, वहां पे हम 5 नंबर ऑफ बकेट सैंड यूज किए। और M25 की बात करें वो तो M5 हो गई, जब 25 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 1 बकेट आप सीमेंट यूज करेंगे तो वहां पे 1 बकेट आपको सैंड भी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सीमेंट का रेशियो हुआ वो तो बहुत ज्यादा एक्सीड कर गया ना। यस सर। तो चीजें जितनी ग्रेड की बढ़ती जाएंगी उसका जो रेशियो, ये जो मैंने रेशियो बताया है ये IS कोड के रेशियो, इसको एक कागज में लिख लो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना तो इसको कम किया जा सकता ना तो इसको ज्यादा, ये इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स होती है। एक बार फिर सुन लेना, M5 की जब बात करते हैं तो वहां पे होता है 1:5:10, जब M.75 की बात करते हैं तो 1:4:8, जब हम M10 की बात करते हैं तो 1:3:6, ठीक है, M15 की बात करते हैं तो 1:2:4, जब 25 की बात करते हैं तो 1:1:2। और इसके बाद एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, यहीं से कंक्रीट का जो डिजाइन है, डिजाइन मिक्स का जो शब्द है वहां से खत्म हो जाएगा, कि M5, 7.5, 10, 15, 20 और 25 इसकी वैल्यू हमारी हमेशा कांस्टेंट होती है, जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने बताया। और जब 25 के बाद हम कोई बात करते हैं तो वहां पे हम जो है डिजाइन हमेशा मिक्स करवाते हैं। डिजाइन क्या करवाते हैं, डिजाइन मिक्स करवाते हैं। अब ये एक नया शब्द है डिजाइन मिक्स, उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि डिजाइन मिक्स कैसे बनता है, उसका क्या उपयोग किया जाता है। कोशिश किया करो सिविल इंजीनियरिंग में रटने की बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बोलता भी नहीं नोट्स के लिए, लेकिन ठीक है जो चीजें हैं उसको करना पड़ता है। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझो, याद मत करो, जो चीजें जब आप अपने से पढ़ोगे ना और उस चीज को आप समझ जाओगे तो लिखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। लिखना और बोलना ये हमारे दिमाग की वो लेयर होती है, जब चीजों को हम समझ लेते हैं तो अपने आप हमको लिखना और बोलना आने लगता है। तो पढ़ाने का इन द सेंस ये होता है कि कोई चीजें अगर आपको बताई जा रही है तो वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैंने आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट बताया है तो आपके घर में जब यूज होगा कंक्रीट, डेफिनेशन पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके घर में जब छत बनेगी आपको याद होगा M15 का मतलब 1:2:4, तो आपको वहां समझ आ जाएगा कि अगर एक तगाड़ी हमने वहां पे बालू उठाई। तगाड़ी में सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादा फील्ड में तगाड़ी ही बोलोगे, पूरी पढ़ाई मीटर और फिट में होती है, पूरी पढ़ाई मीटर में होती है, लेकिन जब प्रैक्टिकली जाओगे तो वहां मीटर नहीं चलता, वहां पे आपको मोटा मोटा फिट और इंच में ही बात करेंगे, मीटर सेंटीमीटर में कोई बात नहीं करेगा। तो प्रैक्टिकली अलग है और ऊपर की थ्योरेटिकल अलग है। तो थ्योरेटिकल को पढ़ो तो ना पढ़ो बट उसको समझो, आप अपने पूरे सिलेबस को सामने रखो और उसको आपको समझ में आना चाहिए कि सेंटरिंग का क्या मतलब होता है और स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डोर विंडो क्या होते हैं, उसके कौन से टाइप होते हैं, किस तरह होते हैं, कहाँ पे उसमें शाफ्ट लगाया जाता है, कहाँ पे उसका केसिंग होता है, कहाँ पे उसमें नॉब लगाया जाता है, सारी चीजें नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो कल कोशिश करेंगे, कल जो हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक पे जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा, 4th यूनिट का ही होगा। अभी तक आप यूनिट नंबर 3rd, मतलब 3rd क्योंकि कंप्लीट हो गई है आपकी, तो आप 3rd का सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, 1st सुपर स्ट्रक्चर, 2nd और फ्रेमवर्क,
कल मेरी क्लास है, कल मुझे चारों चीजों का आपसे नोट्स चाहिए, और सभी लोग व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं या उसी जो ग्रुप बना हुआ है उसमें भेज दीजिएगा, और कॉपी में लिख लीजिएगा, कॉपी में करने के बाद अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा स्कैनर वाला, स्कैन करिएगा, उसका पीडीएफ बनाइएगा और मुझे इसे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आप सबके नोट्स देखूंगा, कोई छूटना नहीं चाहिए। यूनिट नंबर 3 में स्ट्रक्चर सिस्टम और एलिमेंट में सब कुछ पढ़ा दिया गया है, सब सुपर सुपर टू और फ्रेमवर्क, चारों चीजों के नोट्स बना लीजिएगा, कल हम इसके नोट्स चेक करेंगे, ठीक है? और जब मैं नोट्स देख लूंगा यूनिट का। हाँ सर, ये ट्रस्ट आपने बताया नहीं बेटा, ट्रस्ट आप पहले इतना कंप्लीट कर लो, ट्रस्ट में कल बता दूंगा। ओके सर, ठीक है। ट्रस्ट का कोई खास यूज नहीं है आपका, ट्रस्ट का सिर्फ आपके सिलेबस में ये बताना चाह रहा है कि जो इसका फोल्डिंग होता है उसका ट्रस्ट कैसे बनाया जाता है, या तो मैं दूसरी तरह बात करूं तो जो भी जब घर में हम बनाते हैं तो जो सबसे टॉप एरिया होता है, जो हमारा छत हुआ करता है, वहां पे हम ट्रस्ट का कैसे यूज करते हैं, तो वो मैं आपको उसका यूज बता दूंगा, और ट्रस्ट कैसे बनाया जाता है ये भी मैं बता दूंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में कुछ खास नहीं, छोटा सा पॉइंट ट्रस्ट का दे दिया है, तो मैं ट्रस्ट बता दूंगा, तो उसमें पर्लिंग कैसे लगाई जाती है, उसमें बेस प्लिंट कैसे लगाए जाते हैं, उसके पिलर कैसे, अब क्योंकि जो ट्रस्ट होता है वो हमेशा मतलब बड़ा टॉपिक है, कल बता दूंगा, इसलिए आज इसको नहीं बताया। बाकी सारी चीजें आपको मैंने व्हाट्सएप में भेज दी हैं, जिसके पास सिलेबस ना हो या जिसके पास नोट्स ना हो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेगा। कल मुझे यूनिट नंबर 3 के सारे नोट्स चाहिए, 1, 2, 4, ठीक है? ओके सर। किसी कोई कुछ डाउट हो, कुछ पूछना चाह रहा हो? आधी चीजें अभी समझ में आ गई, आधी जब आप नोट्स बनाओगे तो वहां से आप लगभग लगभग पूरा क्लियर कर लोगे, फिर जो चीजें बच जाएंगे मैं वो फिर बता दूंगा। कल मुझे नोट्स आप यूनिट नंबर 3 के दे दीजिएगा सभी लोग, और किसी के क्वेश्चन कोई डाउट हो तो बताए, ग्रेट कॉन्क्रीट से लेके M5, 7.5, 10, 15, 20, 20.5, नेक्स्ट मिक्स डिजाइन, कुछ और पूछना हो? सैंपलिंग प्लेट एक बार बता दो। ओके, और सेंटरिंग प्लेट किस पर? सर ये विनियर्ड वॉल एंड पैनल वॉल, सर आप जिन नोट्स भेजा उसमें ये एक्स्ट्रा था। एक्स्ट्रा तो क्यों करना है, कौन सा वॉल था, विनियर्ड वॉल और? हाँ सर, फेस्ड वॉल, विनियर्ड वॉल एंड पैनल वॉल। हाँ ठीक है, पैनल वॉल तो हो गई है, फेस वॉल भी हो गई, ठीक है। और फेस वॉल का मतलब कुछ नहीं होता है। हाँ ठीक है, चलो मैं तीनों चीजें बता दूंगा, और क्या चीज पूछना है, और क्या क्या पूछना है पहले बता दो, फिर मैं इकट्ठा सब चीज बता रहा हूँ। सर ये जो रेशियो बताए सीमेंट वाला, तो ये सब टाइप ऑफ सीमेंट में चेंज नहीं होगा ना, ये सेम ही रहेगा ना कोई भी सीमेंट हो? कैसे? जैसे सर वो ओपीसी था, पीपीसी था, हाई हार्डिंग सीमेंट, मतलब सेम ही रेशियो रहेगा ना, यूज कोई भी सीमेंट हो रेशियो सेम होगा? नहीं, हम लोग मेनली यूज दो ही सीमेंट का करते हैं, एक करते हैं पीपीसी का और एक करते हैं ओपीसी का, तो मतलब जो ये दोनों में सेम रहेगा रेशियो? हाँ इन दोनों में सेम रहेगा, लेकिन जो चीज हम मेन यूज करते हैं ना, देखिए ओपीसी ये तो सब टाइप्स के सीमेंट हो गए, जैसे एक हो गई क्विक हार्ड, एक हो गई ऑर्डिनरी, एक हो गई पोजोलोना, तो जो हम घर पे यूज करते हैं मेनली हम और आप जो लेके आते हैं मार्केट से वो होती है पीपीसी। पीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टलैंड पोजोलोना। तो जो पोर्टलैंड पोजोलोना होता है इसमें, और जो ओपीसी होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड होती है, इन दोनों में जब इसको बनाया जाता है तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है सिलिका, मैग्नीशिया, फास्फोरस और एल्युमिनियम, तो इन सब चीजों का जो प्रोपोर्शनल रेशियो होता है उसे कम ज्यादा किया जाता है, तभी तो सीमेंट का टाइप्स बदलता है ना। तो किसी भी ये जो टाइप्स जब आप पढ़ोगे तो वहां से समझ में आएगा कि सीमेंट है किस टाइप की। रेशियो सबका सेम होता है, किस कंडीशन में, ग्रेड के कंडीशन में, ग्रेड के कंडीशन में सीमेंट का रेशियो सेम होता है, लेकिन सीमेंट बनाते समय रेशियो प्लस माइनस किया जाता है, जिसकी वजह से सीमेंट का ग्रेड अलग अलग निर्धारण होता है, ये टाइप्स ऑफ सीमेंट जनरेट होता है। जिस में सिलिका ज्यादा हो, किसी में एल्युमिनियम हो, किसी में मैग्नीशिया होगा, तो सारी चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए उसके टाइप्स बनाए जाते हैं। और बात रही जब ग्रेड की, तो उसमें मैंने बोला था एक बकेट या एक तगाड़ी या एक किलो, तो उसमें आप कोई भी सीमेंट यूज कर सकते हो। अब अगर आपको अगर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है तो वहां क्विक हार्डिंग या क्विक सेटिंग टाइम सीमेंट यूज करना पड़ेगा, अगर हमको छत बनाना है तो पीपीसी से बनानी पड़ेगी, अगर रेलवे कंस्ट्रक्शन में कोई काम करना है तो हमको ओपीसी से बनानी पड़ेगी, ठीक है?
अच्छा अभी वो जिसने मुझसे पूछा था वॉल के लिए, तो उसने मुझसे एक शब्द बताया था फेस वॉल। फेस वॉल का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जब हम किसी रिटेनिंग वॉल को, जब हम किसी वॉल को, रिटेनिंग वॉल मतलब है दीवार ही, उसको टेक्निकली में रिटेनिंग वॉल बोलते हैं। तो जब हम किसी रिटेनिंग वॉल को बनाते हैं उस समय हम इस चीज का बहुत ख्याल रखते हैं कि जो एक्सटर्नल हमारा बाहरी होता है या जो हमारी जो लेयर होती है वो जो बाहर की तरफ होती है उसको स्मूथ बनाया जाता है, उसको फेस वॉल कहते हैं। वो जो वॉल होती है उसका चेहरा होता है, क्योंकि जब भी कोई भी मेसन या हेड मेसन जब किसी वॉल को कंस्ट्रक्ट करता है तो बनाते समय इस चीज का विशेष ख्याल रखता है कि वन साइडेड, क्योंकि वो बीच में खड़ा होकर तो बना नहीं सकता, तो वन साइडेड खड़े होकर वो सेटिंग प्लेट लगाएगा। अब देखो यहाँ सेटिंग प्लेट भी क्लियर हो जाएगी। सेटिंग प्लेट वो है कि जिसके ऊपर खड़ा होकर या ऐसा कोई सेटिंग प्लेट से टेम्परेरी एक स्ट्रक्चर बनाना जिसके ऊपर खड़ा होकर वो वॉल बनाए। प्लेट और सटरिंग, सटरिंग और प्लेट। प्लेट मतलब कोई ऐसी रेक्टेंगुलर शेप की कोई प्लेट है, ये सर्कुलर नहीं हो सकती, रेक्टेंगुलर ही रहेगी, चाहे वो 3x2 की हो या 2x1.5 की हो। तो मेनली इसने 4x2 और 3x1.5 ऐसी प्लेट का यूज किया जाता है। ये सटरिंग प्लेट चौकोर सेक्शन में होती है और लोहे की प्लेटें होती हैं जिनके थ्रू, जिनका उपयोग छत को बनाने के लिए नीचे सटरिंग प्लेटों का कॉम्बिनेशन लगा दिया जाता है और आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके ऊपर जो छत होता है वो बन जाता है। अभी सेटिंग प्लेटों को नट बोल्ट से खोल के हटा देते हैं तो नीचे का जो हमको देखने को मिलता है रूफ, तो वो चीज हमको क्लियर हो जाती है। सेटिंग प्लेट का यूज बनाने के लिए, सेटिंग प्लेट का यूज करने के लिए हम किसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को जब बनाएंगे तो वहां भी यूज करेंगे। वो रेक्टेंगुलर शेप में जब पाया खड़े करेंगे तो वहां पे हम रेक्टेंगुलर शेप की प्लेट लगाएंगे। सर्कुलर सेक्शन का हम पाया खड़ा करेंगे तो वहां पे सेंटरिंग प्लेट कौन सी लगाएंगे, सर्कुलर सेक्शन की बनाएंगे। घर पे यूज होता है ना, ठीक है। और क्या पूछना था, किसी को और कुछ पूछना था? सर उसमें विनियर वॉल एंड पैनल वॉल भी था, वो भी बता दीजिए। वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो उससे कंस्ट्रक्ट जुड़ा रहा होगा। वॉल में आपके विनियर्ड वॉल का और उसका पोर्शन नहीं है तो उसको आप उसके नोट्स में मत बनाइएगा, ठीक है। ओके सर। अब पार्टीशन वॉल, पार्टीशन वॉल में एक एग्जांपल कल बताया था ना, पार्टीशन वॉल की एग्जांपल किसी को याद है? पार्टीशन वॉल में कौन एग्जांपल बताया? नहीं, अरे वो तो डोर था भाई, मैं वॉल की बात सर एल्युमिनियम एंड ग्लास के लिए यूज होता है जो। तो पार्टीशन वॉल का यूज कहाँ होता है, किसके द्वारा यूज होता है? एल्युमिनियम और ग्लास के द्वारा। तो पार्टीशन वॉल मैंने भेजा था ना सर, पैनल वॉल हम पूछ रहे थे बट आपने कहा कि नहीं सिलेबस में, तो कोई बात नहीं। हाँ पैनल वॉल नहीं पढ़ना। और क्या था, और किसी को? आलोक सर हैं? कुछ कह रहे हैं सर क्या? बताइए, 12:30 हो रहा है, कुछ कह रहे हैं सर क्या? नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा था, वो क्या था कि आज का क्लास दिन का हो गया था, कल मैंने इनको नोट्स बनाने कहा है, इनको भेज दिया है सिलेबस भी। हमारे समझ से क्लास का टाइम हो गया है, और ये बताइए बच्चे लोग कि आज क्या डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी ने क्लास दिया आप लोगों का? ऐश्वर्या कोई बच्चे बताइए, जो ही तुम्हें बता दो, जो ही बताओ। सर फ्राइडे को वो लेंगे क्लास, उनका मैसेज आया था क्लासरूम में। अच्छा वो आज नहीं क्लास लिया, ठीक बात। आज वो एक मैसेज था जिसे लगा कि आज लेंगे, फ्राइडे का है तो कोई बात नहीं। तो अभी कल क्लास आप लोगों का, हम आपसे पूछ रहे हैं रवि जी, कल क्लास हाँ, लोगों का होगा? हाँ सर कल, ठीक बात। तो फिर बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और रवि जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आलोक जी को भी, और इसको जो है YouTube पर डाल दीजिए, इसे बच्चे लोग सब देख सकें दोबारा भी, और जैसा रवि सर ने कहा उसी तरह से सब लोग अपना तैयारी करें और क्वेश्चंस बनाएं, और अगर हो सके तो, अगर बहुत बड़ा ये ना लगे तो सब बच्चे अपना एक वीडियो बना करके, एक पर्सनल वीडियो बना करके आप लोगों को, रवि जी को, आलोक जी को भेज दें, 5-5 मिनट का या 10-10 मिनट का, जिसमें वो पूरे क्लास के जो उनका जो एब्जॉर्ब किए हैं उस पर एक प्रेजेंटेशन जैसा बनाकर, अगर 10 मिनट का वीडियो बना करके भेज दें बहुत अच्छी बात, तो बहुत अच्छा रहता। बिल्कुल सर, ये हो जाएगा आपने जी सर, ऐसा करते हैं कल इन लोगों का टॉपिक जो है वो रिटर्न वर्क में कंप्लीट हो जाएगा, कल इन लोग लिख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद इनको थोड़ा एक वीक का समय दे दिया जाएगा, तो उसमें अगला टॉपिक भी कवर कर लेंगे और प्लस इसका वीडियो भी बना के और इसी ग्रुप में शेयर कर देंगे, ये पर्सनल वाला है, सभी लोग बनाएंगे कंपलसरी है सबके लिए, सबको कंपलसरी, हमको समझ में आएगा कि किस किस चीज के लोग कैप्चर कर पा रहे हैं, जी जी है ना, एक एक टॉपिक का पूरा पूरा कवर करेंगे, हर एक चीज हमको खुद समझाएंगे, फाउंडेशन वाल, पैर, कॉलम, बीम, आर्क, बोल्ट्स, डोम, ये सारी चीजें हमको बताएंगे। बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छा सजेशन है। तो फिर आलोक जी और रवि जी, फिर मैं आप सभी लोगों को शुभकामना देते हुए, बिल्कुल बिल्कुल सर जी, फिर कल आप लोगों से फिर ज्वाइन करूंगा, ठीक है जी, जी सर, जी सर, प्रणाम सर, आदर प्रणाम सर, प्रणाम। मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगा रवि जी का कि बहुत अच्छा लेक्चर आपने दिया और बच्चे लोग जुड़े रहे हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव क्लास, जब भी आपकी क्लास होती है बहुत ही अट्रैक्टिव होती है और जो बंदा सोता रहे वो भी जग जाए, ऐसा आपका क्लास होता है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर कल की क्लास में हम लोग सभी लोग मिलते हैं, थैंक यू सो मच। कल सभी लोग वो करके लाएंगे, नोट्स बना के लाएंगे, है ना, आज ही बना लेंगे तो आज ही मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, भेज देंगे, ठीक है।